यहां पर हर एक घंटे में 4 रेप होते हैं, हर 14 मिनट में एक, और हर 2 मिनट में पुलिस कस्टडी में एक रेप होता, और हर साल पुलिस कस्टडी में लगभग 190। एक 8 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से छोटे कपड़े पहने थे जिन्हें देखकर उन दरिंदों की हवस जाग उठी और वो हवस उस मासूम सी बच्ची पर उतार दी गई। आज रेप सिर्फ उस लड़की का नहीं हुआ है, उस देश का हुआ है जहां पर हर रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं। आज रेप हर भाई के बहन का हुआ है, हर बाप की बेटी का हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, दलित, ठाकुर या किसी भी जाति या धर्म का हो। मतलब रेप आज हर एक लड़की का हुआ है। निर्भया, असिफा, ट्विंकल, खुशबू और आज मनीषा। शायद अगला नंबर आपकी बेटी या बहन का हो सकता है, शायद मेरी भी। विकास हुआ है, हाँ हमारे भारत में विकास हुआ है कि रेप इस बार 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वोमेन इन इंडिया। वाह, यहां पर हर एक घंटे में 4 रेप होते हैं, हर 14 मिनट में एक, और हर 2 मिनट में पुलिस कस्टडी में एक रेप होता, और हर साल पुलिस कस्टडी में लगभग 190। हर 17 घंटे में 6 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप होता है। क्यों? क्यों केवल 28% लोगों को ही सजा मिल पाती है, बाकी के 72% लोग आज भी पेंडिंग में चल रहे हैं। अरे उनका तो अभी ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ है। अब भैया ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्टेड हैं, यानी कि दर्ज हैं। जो अनरिपोर्टेड है उनका तो कुछ पता ही नहीं। अरे आखिर क्या गलती थी उस बच्ची की कि उसने जन्म लिया था, या ये कि वो लड़की थी, उसने तो अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की थी अपनी। अरे एक 8 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से कपड़े पहन लिए थे जिसे देखकर उसका रेप कर दिया गया। एक 8 साल की बच्ची ने ऐसे कौन से छोटे कपड़े पहने थे जिन्हें देखकर उन दरिंदों की हवस जाग उठी और वो हवस उस मासूम सी बच्ची पर उतार दी गई। आज रेप सिर्फ उस लड़की का नहीं हुआ है, उस देश का हुआ है जहां पर हर रोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जाते हैं, उस शहर का हुआ है जहां पर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है पढ़ने के लिए, उस घर का हुआ है जहां पर हर घर में एक लड़की रहती है। आज रेप हर भाई के बहन का हुआ है, हर बाप की बेटी का हुआ है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, दलित, ठाकुर या किसी भी जाति या धर्म का हो। मतलब रेप आज हर एक लड़की का हुआ है। आज कैंडल, कल नारे, परसों जुलूस और फिर सब के सब शांत, सब चुप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर कहीं कोने से दूर चीखती हुई आवाज आती है, फिर कैंडल, नारे, जुलूस, जुलूस और सब शांत। पता है अब एक डर बन गया है, एक माँ को अपनी बेटी के लिए, एक बाप को अपनी बेटी के लिए, एक भाई को अपनी बहन के लिए, स्कूल जाती बच्ची के लिए और शायद एक दूध पीती बच्ची को भी। क्या हम उन्हें सजा नहीं दिला सकते? जिस तरह क्लास के एक बच्चे को सजा देने से क्लास के सारे बच्चे सुधर सकते हैं, तो क्या हम उन्हें एक भयानक सजा नहीं दे सकते जिसे देखकर हर एक आदमी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 10,00,000 बार सोचे। शर्मिंदा है, शर्मिंदा है जो तुझे बचा ना सके, शर्मिंदा है इस देश की योजनाओं पर, इस देश के कानून पर, यहां के नेताओं पर, शर्मिंदा है अपने आप पर, इस देश की मीडिया पर, इस देश के नागरिकों पर, जिस देश में अभिनेताओं के मूतने तक की खबर को मीडिया पर एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर के रूप में बताया जाता है, जिस देश में युवक किसी भी मुद्दे को हैशटैग बनाकर ट्विटर पर ट्रेंडिंग में ला सकता है, जिस देश में केवल लोग सोशल मीडिया के दम से किसी भी व्यक्ति को इंसाफ दिला सकते हैं, क्या उस देश में बेटियों के इंसाफ के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाई जा सकती? क्या भारत सरकार रेपिस्टों के लिए एक नया कानून नहीं बना सकती? क्या हम भारत सरकार को ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, अपने आसपास के लोगों को बदलना होगा। आखिर क्यों भारत में रेप के इतने केसेस होने के बाद भी, इतनी दरिंदगी होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाती है? आखिर क्यों हमारे भारत में रेप के लिए कोई कठिन कानून नहीं बनाया जाता है? क्योंकि हमने कभी इसके लिए आवाज उठाई ही नहीं। केवल जिसके साथ हुआ उसने आवाज उठाई और सब चुप, ये सोचकर आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारे साथ तो कभी हुआ ही नहीं,
लेकिन क्या चाहते हो आप? जिस दिन आपके साथ होगा, जिस दिन आपकी बेटी और बहन के साथ होगा, उस दिन आवाज उठाओगे। मुझे पता है ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन तक लोग देखेंगे, उसके बाद फिर सब अपने अपने काम में व्यस्त। फिर जब कोई लड़की का रेप होगा तब जस्टिस फॉर आसिफा, जस्टिस फॉर ये, जस्टिस फॉर वो करते हुए लोग फिर चिल्लाते हुए आएंगे। कहां गई कंगना रनावत, कहां गए सोनू सूद, कहां गए अक्षय कुमार, कहां गए वो मीडिया, कहां गए वो सेलिब्रिटी जो छोटी सी हरकतों पर उन्हें इंडिया में अनसेफ फील होने लगता था। कहां गए वो लोग जो हर चीज को ट्रेंडिंग में लाते थे। इस टॉपिक को ट्रेंडिंग में नहीं ला सकते, इस चीज को ट्रेंडिंग में नहीं ला सकते जिसकी हमारे भारतवर्ष में जरूरत है। हमें तो इतना करना चाहिए कि हमें सारे सोशल मीडिया पे केवल एक ही चीज होनी चाहिए, चेंज द लॉ ऑफ इंडिया फॉर रेपिस्ट। भारत में रेपिस्टों के लिए एक नया कानून बनाया जाए। मैं यही चाहता हूं और कुछ नहीं। केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया का सही उपयोग कीजिए। इस टॉपिक को, इस मुद्दे को उठाइए, हर सोशल प्लेटफॉर्म पे उठाइए और एक ही मांग कीजिए कि चेंज द लॉ ऑफ इंडिया फॉर रेपिस्ट। भारत में रेपिस्टों के लिए कोई कठिन कोई कानून बनाई जाए जिससे वो ये हरकत करने में 10 बार सोचें। जी हाँ, धन्यवाद।